दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल तो पहुंच गए, लेकिन तिहाड़ जेल में कई ऐसे कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं जो अरविंद केजरीवाल के बैरक के आसपास ही रहते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में किसी गैंगस्टर से अब कोई खतरा है? ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल में अब तक देखें तो कई ऐसी घटनाएँ हो चुकी हैं, वारदातें हो चुकी हैं, जिसे याद किया जाए तो दिल सिहर जाता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में गैंगस्टरों के साथ कोई खतरा तो नहीं है उनके ऊपर? और कौन कौन से ऐसे गैंगस्टर हैं जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल जहां पर बंद है यानी तिहाड़ में वहां पर कैद हैं, आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुल 14 दिनों की न्यायिक कस्टडी में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ी हो चुके हैं। ईडी की रिमांड दरअसल कल खत्म हुई जब, तो कोर्ट ने ये फैसला उन्हें सुनाया और केजरीवाल को उसके बाद वहाँ से जेल नंबर 2 में ले जाया गया। बैरक में अरविंद केजरीवाल जहाँ पर कैद हैं वहाँ अकेले हैं, जहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। तिहाड़ जेल जो है उसमें उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ नेताओं के साथ साथ जो नामी गैंगस्टर जिसका मैंने जिक्र किया वो भी कैद हैं। तो वही डर है कि क्या केजरीवाल किसी गैंगस्टर से उनको डर है, क्योंकि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि सुशील कुमार पहलवान भी उसमें कैद हैं तो उनको भी डर था। तो आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौन से गैंगस्टर हैं 5 जो बहुत ही खतरनाक हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पूरे लिस्ट में नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर बवाना गाँव के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का। नीरज बवाना का दरअसल दोस्तों असली नाम नीरज सहरावत है, मैं कई बार बता चुका हूँ। नीरज करीब 19 साल पहले जुर्म के दुनिया में आया था और आज उसके नाम पर हत्या की कोशिश और लूट जैसी संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में भी हैं और कहा तो ये भी जाता है कि नीरज बवाना अब जेल में बैठ कर ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। और हाल ही में फरवरी के महीने में दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना के शूटर एहसान अली उर्फ उस्मान को भी गिरफ्तार किया था। तो नीरज बवाना एक बड़ा खतरा है। दूसरा गैंगस्टर है मंजीत महाल। अब मंजीत महाल का नाम अभी हाल ही में उस वक्त खबरों में आया था जब आपको याद होगा हरियाणा में इनेलो के नेता नफवे सिंह राठी की हत्या हुई थी। मंजीत महाल के ऊपर दिल्ली और हरियाणा में कुल हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और रंगदारी समेत कुल 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। मंजीत ने अनूप और बलराज के गैंग में शामिल होकर सबसे पहले जुर्म के दुनिया में एंट्री मारी और फिर बाद में उसने अपनी एक गैंग खड़ी कर ली। और मंजीत महाल पिछले करीब 7 सालों से इसी तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, कैद है। हाँ, तो ये भी जाता है कि वो भी सलाखों के पीछे रहकर अपनी गैंग ऑपरेट करता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कपिल सांगवान उर्फ नंदू है। अब देखिए, इसी कड़ी में एक और तिहाड़ी है, गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसके दिल्ली के तिहाड़ जेल में अभी शादीवादी हुई थी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी बहुत खतरनाक नाम है और उसने अपनी प्रेमिका और रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी से शादी की। सोनीपत के दरअसल ये जठेड़ी गांव का रहने वाला है, राय थाना के अंतर्गत आता है और लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली में बिश्नोई के गैंग की कमान काला जठेड़ी के हाथों में, और काला जठेड़ी के ऊपर भी कई राज्यों में हत्या, रंगदारी, हत्या की कोशिश और लूट समेत गंभीर मामले दर्ज हैं। दरअसल काला जठेड़ी एक बार पुलिस की कस्टडी से भी भाग चुका है और हाल ही में जब उसने शादी के लिए कोर्ट में पैरोल मिली थी तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसे तिहाड़ से ले जाकर उसकी शादी कराई गई थी। और यही है जिसने सुशील कुमार पहलवान 2 बार के ओलंपिक पदक भी जीता, उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये भी वहीं पर कहता है। चौथा नाम है हाशिम बाबा का। हाशिम बाबा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2020 में एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया था, मुझे याद है, और तभी से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। साल 2007 से जुर्म के दुनिया में कदम रखने वाला जो हाशिम बाबा है, इसने सबसे पहले 2014 में भी इसकी गिरफ्तारी जब हुई थी और 2016 में इसे पैरोल मिला और बाहर आने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। अब देखिए, इसके बाद पुलिस की आंखों से बचता हुआ हाशिम बाबा लगातार साल 2020 तक अपने गुनाहों की लिस्ट जो है वो लंबी करता चला गया। हाशिम बाबा उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा जब वो अपनी बीवी से मिलने दिल्ली के शहादरा इलाके में आया था और उसी वक्त गिरफ्तारी इसकी हुई थी। ये भी बहुत खतरनाक है। अब देखिए, आखिर में तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर योगेश टुंडा जो है, अभी उसने भी शादी की अपनी एक गर्लफ्रेंड से जिसका नाम नीतू बताया गया। योगेश टुंडा उस वक्त खबरों में आया था जब उसने 1 साल पहले
दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर ही एक दूसरे गैंगस्टर यानी टेल्लू ताजपुरिया पर चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या की थी। दरअसल टेल्लू ताजपुरिया जो है वो घोगी को मरवाने में रोहिणी कोर्ट में उसका हाथ था, जिसका बदला योगेश टुंडा ने उसे तिहाड़ जेल में मारकर लिया था। तो जितेंद्र घोगी के मरने के बाद योगेश टुंडा जो है वो कमान संभाल रहा है, गैंग की कमान उसके हाथ में है, वो भी जेल में बैठकर अपने काम कर रहा है। तो ये वो गैंगस्टर हैं जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद हैं, और अब खतरा तो है अरविंद केजरीवाल को। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पहली रात तिहाड़ जेल में उनकी कैसे कटी, तो केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में कट चुकी है भाई साहब। जिस बैरक में केजरीवाल को रखा गया है वो 14 फीट लंबा है और करीब 8 फीट चौड़ा है। इनके बैरक में यानी केजरीवाल के बैरक में एक टीवी लगा हुआ है, सीमेंट का एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, और बैरक के बाहर भी 4 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की बात कर ले तो जेल नंबर 1 में है, जबकि इनके साथी संजय सिंह जेल नंबर 5 में, अरविंद केजरीवाल खुद जेल नंबर 2 में, और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में। इस पूरे मामले में एक और नाम है के कविता का, वो जेल नंबर 6 में बंद है। और जबकि हम नीरज ममाना वाना की देखें तो आस पास वो भी हैं, 4 में, 7 में, माफ कीजिएगा 8 में। तो इन सब जगहों पर नीरज ममाना जैसे गैंगस्टर बंद हैं। तो क्या नीरज ममाना, काला दशहरी, हाशिम भाभा, मजीद महाल, योगेश टुंडा, जिनके नाम मैंने लिए, तो क्या इन सब से तिहाड़ जेल में इन नेताओं को कोई खतरा है? फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन बहुत लंबे वर्षों से अरसों से जेल में कैद हैं, मनीष सिसोदिया जी को भी 1.5 साल हो गया, के कविता भी काट रही हैं सजा, संजय सिंह भी 8-9 महीना बिता चुके हैं। केजरीवाल के लिए नया है, केजरीवाल अभी 1 ही दिन पुराने हैं, लेकिन केजरीवाल भी पुराने हो जाएंगे। और इन सब में सबसे अच्छी बात पता है क्या? सबसे अच्छी बात यह है कि इन नेताओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा मुस्तैद रखी गई है, ताकि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल यही कहानी थी, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।